सोलन में योग भारती द्वारा योग के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मीडिया के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। योग भारती के संस्थापक निवास मूर्ति ने प्रदेशवासियों को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न योग मुद्राओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर योग को हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हमें किसी भी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि योग अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो किसी भी तरह का रोग हमें छू भी नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि योग के साथ साथ हमें खाने पीने की आदतों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तभी योग अपना बेहतर असर दिखाता है। योग भारती के संस्थापक निवास मूर्ति ने विभिन्न योगों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य रहने के लिए हमें आहार, योग, आसन और क्रिया तीनों को संतुलित मात्रा में अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर आहार, योग, आसन और क्रिया तीनों को सही ढंग से अपनाते हैं तो हमें जीवन में कभी भी न चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता है और न ही किसी भी तरह की दवा खाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम पहले जंक फूड खाकर अपने जीवन में बीमारियों को आमंत्रित करते हैं और फिर उसका इलाज ढूंढते हैं, लेकिन अगर हम अपने आहार में स्थानीय सब्जियों और फलों का उपयोग करेंगे, साथ में योग और क्रियाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो रोग हमसे कोसों दूर रहेंगे। नमस्कार, श्रीनिवास मूर्ति योग भारती के संस्थापक हूँ। एक विशेष प्रयोग कर रहा है योग के क्षेत्र में, जितना भी प्रयोग हो रहा है आपस में तालमेल रखे एक एक समस्या हल करने की दृष्टि से क्या क्या कर सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर, योग शिक्षक, ऐसा सारे तालमेल बिठा के करने का एक प्रयत्न है। इसका से हर मंगलवार एक एक विषय लेने का है। इस मंगलवार हमने तय किया पेट के संबंधित क्या क्या है, आहार से शुरू होता है, आहार में क्या क्या व्यवस्था है उसके बारे में सोचना, आगे वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। योग आसन क्या है उसके बारे में सोचना है, क्रिया मतलब क्या है उससे कैसा सफाई रखना है, और कुछ सोच विचार भी, ये सारे ठीक रहे तो पेट भी ठीक रहता है। इसका से एक ही शब्द में कहता है, हाथ पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा, बंद करो डॉक्टर से दंदा, यानी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं ऐसा तय किया तो ये करना ही पड़ेगा उस त्रुटि से। और एक शब्द है लोकल फूड, लोकल फ्रूट, लोकल वेजिटेबल, इसका ही जमाए तो आपने आपको अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि समस्या क्या हो रहा है, समस्या लाने के बाद हल करने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, समस्या ही आए ही ना, कोई जहर शहर में जहर शरीर के अंदर इकट्ठा ना हो, इस दृष्टि से को करने के लिए कुछ आसन आपके सम्मुख में मैं करके भी दिखाता हूँ।